दोस्तों आज यहाँ पे बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है इंग्लिश 100 मार्क्स। काफी अच्छे तरीके से हम आपको तैयारी करवा चुके हैं ऑलरेडी इस चैनल पे। हमें दो ही सब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा प्यारा लगता है वो है इंग्लिश और हिंदी। दोनों इस चैनल पे प्रॉपर अच्छे से तैयारी करवाया गया है। आज हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पता होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, पिछले साल भी मिला था और इस साल भी ऑब्वियसली मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में तो गारंटेड मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे जो आपको कहीं और नहीं बताया जाता है। ये वीडियो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के स्टूडेंट के लिए है, तो आप लोग अच्छे से देखिए। जब भी आपका एग्जाम रहे आप आसानी से इसको कर पाओगे। देखिए आपके इंग्लिश 100 मार्क्स में जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने भी क्वेश्चंस है, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चन आज हम आपको अच्छे से बताएंगे। और देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम लगता है कि इंग्लिश का हिंदी में हम नहीं समझ पाते हैं, तो आपका आज वो डर भी खत्म हो जाएगा। हम आपको एक एक क्वेश्चन को हिंदी में बता देंगे, समझा देंगे कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, सब कुछ। तब आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अच्छे से देखिएगा, मन बना के देखिएगा, पानी वानी ले लीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। आपको सटीक अच्छे से बताएंगे एग्जाम में कैसे लिखना है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग होगा, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप जान रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल्स। मतलब बोला जा रहा है, हमारे पूर्वजों ने सच्चे होम रूल को आनंद कैसे किया, कैसे उठाया, मतलब सच्चे होम रूल को आनंद का जो है आनंद कैसे उठाया हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स जो थे। यहाँ पे आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए स्टार मार्क्स है, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। देखिए, आवर एंसेस्टर्स फॉलो देयर सिंपल ऑक्यूपेशन, मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो अपने साधारण व्यवसाय को चालू रखा, एंड लिव्ड इंडिपेंडेंटली, और वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने लगे। मतलब हमारे पूर्वज जो थे वो साधारण व्यवसाय को चालू रखे, अपना स्वतंत्र जो है अपना जीवन को स्वतंत्र रखे। थस दे इंजॉयड ट्रू होम रूल्स, इसलिए वो जो है सच्चे होम रूल्स का आनंद उठा पाए। तो ये आपको ऐसे लिख लेना है अपने कॉपी में, या फिर आप जो एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स के साथ इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है, वाई डज गांधी जी सेज डैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स मेरे तरफ से, तो डबल स्टार मार्क्स मतलब इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, डबल स्टार मार्क्स हम ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, लेकिन जिसमें लगाएंगे वो आपको याद हो जाने चाहिए। इसमें बोला जा रहा है, गांधी जी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं, और क्या जो है मन को बेचैन करती है, व्हाट मेक द माइंड रेस्टलेस। तो यहाँ पे ये सवाल है, इसका आंसर आपको कैसे देखना देना है, गांधी जी सेज डैट माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड। गांधी जी हमारे मन को, हमारे दिमाग को इसलिए बेचैन पक्षी का नाम दिया है क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, हमारा माइंड जो है कभी संतुष्ट नहीं होता है। द मोर इट्स गेट द मोर इट वांट, जितना इसको मिलता है उतना ये और चाहता है। मतलब अगर आपके पास बाइक है, आप सोचोगे कार हो गया, आप सोचोगे बहुत अच्छा लग्जरियस कार का बहुत अच्छा हो गया, आप सोचोगे हेलीकॉप्टर, बस यही चीज, माइंड को कभी संतुष्टि नहीं मिलता है। तो ये यहां पे आंसर हो गई। देखिए, हम आपको काफी अच्छे तरीके से बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाई ही इज थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब यहाँ पे है, वह आधुनिक सभ्यता का जो है शुक्रगुजार क्यों है, मतलब थैंक्सफुल क्यों है, क्यों थे मॉडर्न सिविलाइजेशन के, गांधी जी। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ही इज नो हैटर ऑफ द वेस्ट। मतलब यहाँ पे अपना सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में जो वो बराई किए हैं, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो जो हैटर हैं वेस्ट कंट्री के, पश्चिमी देशों के लिए वो बैर चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ही इज थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है पश्चिमी देशों को धन्यवाद करना चाहते हैं। डैट ही हैड लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, वह जो है पश्चिमी साहित्य से बहुत कुछ सीखे हैं, इसके लिए वो जो है थैंकफुल कहना चाहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, आधुनिक सभ्यता को। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जिसमें हम आपको डबल स्टार मार्क्स देंगे वो क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, और फोर नंबर क्वेश्चन में है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लास्ट सिटी, वाई वेयर दे सेटिस्फाइड। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम आपको जो स्टार मार्क्स लगाएंगे वही इंपॉर्टेंट होगा, आप सब देख लीजिए। आपको इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा फिर आप हमें ब्लेम कर सकते हैं, इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, आज हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भरोसा है इंग्लिश में, जैसे दो साल से रेगुलरली मिल रहा है तो इस साल पक्का मिलेगा, इसलिए हम आपको अच्छे से दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको नॉलेज के लिए ये सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटी, वाई दे आर सेटिस्फाइड। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, हमारे पूर्वज बड़े शहर को कैसे देखते हैं, वे क्यों संतुष्ट थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दे न्यू डैट
गैंग्स ऑफ थेप्स एंड गैंग्स ऑफ थेप्स एंड रेवर्स प्रोस्टिट्यूशंस एंड अदर वाइसेस फ्लोरिस इन बिग सिटीज एंड द रिच रोब्स द पुअर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है फोर में कि वे जानते थे कि बड़े शहरों में चोरों का जो एक समूह होता है गैंग्स ऑफ थेप्स चोरों का समूह, उसके बाद लूटने वाला रॉबर्स, तो यहाँ पे क्या होता है लुटेरा, ये सब जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये सब से भरा हुआ है। और अमीर लोग जो है द रिच रॉब्स द पुअर, अमीर लोग जो है गरीबों को लूटते हैं, इसलिए दे वेयर देयर फॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसलिए वे जो है अपने इस छोटे से गांव से ही संतुष्ट रहते थे। यहाँ पे आंसर इस तरीके से लिख देना है। तो आपको हिंदी में समझने का कोई इशू नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा ना। आगे यहाँ पे देखिए फाइव नो क्वेश्चन, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है, हमें बहुत ही खुशी मिलता है। जैसे कि आपको पिछले जो कुछ एग्जाम हुआ है उसमें जैसे आप लोग कमेंट किए हैं तो काफ़ी मज़ा आया है वो सब देख के। आगे यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर स्पीच। यहाँ पे आप लोग अगर एग्जाम के लिए, अगर आपका एग्जाम एक दो घंटे में है या फिर आपका एग्जाम अब आज ही होने वाला है, तो आप लोग क्या करिए इसका स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे सही तरीके से बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा होगा वीडियो, लेकिन आप लोग क्या करिए स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें है ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर स्पीच, यहाँ पे है फाइव नंबर में जाकिर हुसैन ने किस अवसर पर भाषण दिया था, ऑन व्हाट ओकेजन किस अवसर पर जाकिर हुसैन भाषण दिए थे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ही डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, दिस इज द फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे है उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में यह भाषण दिया, पहली बार वो भाषण दे रहे थे कब, भारत में राष्ट्रपति के रूप में उनका जो है ये पहला भाषण था, हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये आंसर हो जाती है। और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आ सकती है कि वो जो है कब राष्ट्रपति बने थे और कब भाषण दिए थे, तो 1967 में, ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सिक्स नंबर, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है ऑलरेडी जो है फुल रिवीजन वीडियो अपलोड है, एक बार जाके पूरा देख लीजिएगा वो, और अगर आपको ग्रामर समझना है ग्रामर का भी एक बार देख लीजिएगा पूरे अच्छे से, फुल रिवीजन वीडियो बना हुआ वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको कुछ वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जो आपको एग्जाम के वक्त देख के जाना है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल। यहाँ पे सिक्स में बोला जा रहा है क्या चीज, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, डबल स्टार मार्क्स, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। सिक्स नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहते हैं, प्राचीन लोगों का युवा राज्य मतलब द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए आंसर किस तरीके से लिखना है वो आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आंसर लिखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल, डॉक्टर जाकिर हुसैन इसलिए कहते हैं मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ये जो है भारत जो है प्राचीन लोगों का युवा राज्य है, लेकिन इसलिए कहते हैं इट इज सो बिकॉज, इसलिए कहते हैं आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक्स, मतलब हमारा जो है अतीत जो है वो मर नहीं है, मृत नहीं है और वो स्थिर नहीं है, वो बराबर बदलते रहता है, और इट इज अलाइव एंड डायनामिक मतलब यह जो है जीवित है और गतिशील है, यह बदलते रहता है, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, ये यहाँ पे है। आवर एंसेस्टर्स कल्चर इज अलाइव, हमारे जो पूर्वज की जो सभ्यता थी ना वो अभी जीवित है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, हम लोग पूर्वजों की बात मानते हैं, उनके अनुसार रास्ते पे चलते हैं। We can make our future on the basis of our ancestors people blessing, मतलब हमारे जो पूर्वज लोग थे उनके उनके जो है आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, सभ्यता को और आगे ले जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाती है, आप लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सेवन नंबर, सेवन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, हु सेज एंड वाई। यहाँ पे है सेवन में अतीत मृत है और स्थिर नहीं, अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह कौन कहता है और क्यों कहते हैं, तो ये यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, अभी जस्ट आपको बताए हैं, इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज डैट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक्स, मतलब वो जाकिर हुसैन ही थे जो ये बोलते हैं कि अतीत मृत और स्थिर नहीं है। इन हिज व्यू, उनके अनुसार, उनके विचार से पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक, उनके विचार से जो है अतीत जीवित है और गतिशील है। इट डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ
आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है यह हमारे वर्तमान गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है कि भविष्य में हम लोग कैसे जा सकते हैं, प्रोस्पेक्टस देता है हमने। उसके बाद आगे है, इंडिया इज ए न्यू स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। भारत जो है, इंडिया जो है एक युवा राज्य है, पुराने लोगों का, पूर्वजों का। यहाँ पे पूर्वजों का बात सब मानते हैं, जो पूर्वज रूल बना के गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। He says, वो कहते हैं, so the highlight the importance of Indian culture based on the principle of unity amidst diversity। यहाँ पे है उन्हें, वो कहते हैं कि विविधता में जो विविधता के बीच जो एकता है इंडिया में, भारत में, उसके सिद्धांत पर हमें भारतीय संस्कृति को उजागर करना चाहिए और भी देशों तक इसको पहुँचाना चाहिए। ये यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या चीज़, What was the writer? Why did he always obey नानू काका? What was the writer? Writer कौन थे और वो नानू काका का हमेशा बात क्यों मानते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स मेरे तरफ से, स्टार मार्क्स याद रख लीजिएगा। यहाँ पे है, द राइटर वॉज द अंडर सेक्रेटरी, राइटर वॉज द अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोवेशन। ही डिड नॉट लाइक द फ्रिक्वेंटली अराइव ऑफ नानू काका, बट ही ऑवेड हिम बिकॉज ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिज मदर। यहाँ पे है, लेखक क्यों मानते थे, वो हमेशा लेखक क्या थे, वो हमेशा नानू काका की बात क्यों मानते थे? तो उत्तर आपको कैसे लिखना है, उस समय लेखक जो है अंडर सेक्रेटरी बनकर जाते थे किसके, नानू काका के, और उनको जो है आना, नानू काका का अचानक आना उनको पसंद नहीं था। ही डिड नॉट लाइक द फ्रिक्वेंटली अराइव ऑफ नानू काका, उनको जो है नानू काका का अचानक आना पसंद नहीं था। बट ही ऑवेड हिम, लेकिन उनको वो उनका जो है आज्ञा का पालन करना होता था, वो जो बोलते थे उनका पालन करना होता, क्यों, क्योंकि ही वॉज द ब्रदर ऑफ हिज मदर, क्योंकि नानू काका जो था वो थे मतलब ये जो राइटर जो थे इनके जो है माँ के भाई थे, मतलब मामा जी हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर और क्या हो जाएगी, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन मैं आपको बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। What are the things needed to remove the discontent of the Negroes? यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, 9 में वैसे बोला क्या जा रहा है ये हम आपको पहले बताते हैं, आप लोग अच्छे से पहले देख लीजिए फिर हम आपको इसका सही से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, what are the things needed to remove the discontent of the Negroes। यहाँ पे है, निग्रोज के असंतोष को दूर करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। निग्रोज के असंतोष जो है, वो लोग जो मतलब जो जरूरी है उन लोगों को, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ जरूरी है, निग्रोज के असंतोष को दूर करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो ये यहाँ पे सवाल है। उत्तर आपको कैसे लिखना है, देखिए, फ्रीडम एंड क्वालिटी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव देयर डिसकंटेंट। यहाँ पे है, बोला जा रहा है क्या चीज़, उनके असंतोष को दूर करने के लिए, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ का थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉपर बोल रहे हैं और बहुत सारा भी देखना है तो इशू आएगा, लेकिन हम आपको आज सारा क्वेश्चन बता के रहेंगे। यहाँ पे है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी आर रिक्वायर्ड टू रिमूव हिज देयर डिसकंटेंट। तो यहाँ पे है, उनके असंतोष को दूर करने के लिए स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। मतलब उनको जो है अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए, मिलना चाहिए। देयर कल्चर आइडेंटिटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड। मतलब उनकी जो है सभ्यता, उनकी जो संस्कृति का जो पहचान है उसको जरूर संरक्षित रखना चाहिए, जो उनका जो वहाँ पे कल्चर है उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये सब जो है निग्रोज के असंतोष, अगर ये सब कर लिया जाता है तो निग्रोज में जो असंतोष है वो दूर हो सकता है, तो ये यहाँ पे आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पे 9 सही आंसर यहाँ पे आपको बता दिए। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, आगे क्वेश्चन अभी हम लोग और देख रहे हैं। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ मार्टिन लूथर किंग जीआर्स स्पीच। व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ मार्टिन लूथर किंग जीआर्स स्पीच। अच्छे से पहले आप पढ़िए, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है मार्टिन लूथर किंग जीआर के भाषण का प्रासंगिकता क्या था, मतलब वो जो है रिलेवेंस क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे, वो बतलाना क्या चाह रहे थे, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए आंसर यहाँ पे कैसे लिखना है, हिज स्पीच प्रूव्ड दैट ही इज ए ग्रेट ऑरेटर
एंड कैन स्टेयर द माइंड एंड हार्ट ऑफ ऑल निग्रोज ऑफ अमेरिका। यहाँ पे है उसे उनके भाषण से साबित होता है कि वह एक महान वक्ता है और अमेरिका के सभी निग्रोज के दिलो दिमाग में हलचल मचा सकते हैं वो कभी भी। मतलब क्या बोला गया है, एंड स्टेयर द माइंड एंड हार्ट ऑफ ऑल निग्रोज ऑफ अमेरिका, मतलब ऑस्ट्रेलिया, मतलब यहाँ पे है जो भी अमेरिका के निग्रोज जो भी थे उनके दिलो दिमाग में जो हलचल कभी भी वो मचा सकते हैं। हिज कमिटमेंट इज ए सॉरी आपको अच्छे से बता दे रहे हैं क्या है, हिज कमिटमेंट टू द राइट्स ऑफ पीपुल एंड हिज कंसर्न फॉर देयर अपलिफ्ट हैव गॉट रिवील्ड इन हिज स्पीच। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, तो देखिए क्या है, लोगों के अधिकारों के प्राप्ति, उनकी प्रतिबद्धता और उनके उत्थान के लिए, उनके जो है मतलब डेवलपमेंट के लिए, वो जो है अपलिफ्ट के लिए जो है वो क्या करते हैं, ये भाषण देते हैं और ये पता चलता है उनके भाषण से, ये प्रकट होती है। यहाँ पे क्या बोला गया है, हैव गॉट रिवील्ड इन हिज भाषण, उनके भाषण से ये प्रकट हो रहा है कि वो अपने निग्रोज फैमिली से कितना प्यार करते हैं वो, तो ये यहाँ पे उनके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं वो पता चल रहा है उनके इस स्पीच से, मार्टिन लूथर किंग जूनियर से। अगले आई हैव अ ड्रीम से ये यहाँ पे लिया गया है। अगले यहाँ पे 11वां क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है हाउ विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन द मीन्स ऑफ एंजॉयमेंट इंक्रीज। यहाँ पे क्या बोला गया है 11 में, इसमें बोला जा रहा है आधुनिक सभ्यता के साथ कैसे एंजॉयमेंट के साधन बढ़े हैं इस सब के, एंजॉयमेंट करने का साधन, अलग अलग तरीका से लोग अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं तो ये यहाँ पे साधन बढ़े हैं। देखिए क्या है आंसर, द मीन ऑफ एंजॉयमेंट सच एज पोएट्री म्यूजिक वाइन, उसके बाद है फुटबॉल बिकम अवेलेबल टू अस विथ द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। यहाँ पे है सभ्यता के विकास के साथ, मतलब विद द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के विकास के साथ कविता, संगीत, शराब, फुटबॉल जैसे आनंद के साधन हमारे लिए उपलब्ध हो गए हैं, बट द क्वेश्चन इज वेदर दे हैव मेड अस हैप्पियर देन अर्लियर। बहुत ही गजब का लाइन है ये, मतलब बहुत ही मार्मिकता वाला लाइन है। देखिए क्या है, लेकिन सवाल यह है द क्वेश्चन इज वेदर, मतलब को सवाल यह है कि क्या उन्हें जो है पहले से ज़्यादा जो है खुशी मिलता है, वेदर मतलब यहाँ पे है वेदर दे हैव मेड अस हैप्पियर देन अर्लियर, मतलब जो हम लोग बचपन में जो खुशी का आनंद लेते थे क्या अभी मिल पा रहा है हम लोग का, जो बचपन में छोटी छोटी गलतियाँ करते थे वो आज उसी चीज़ को मिस करते हैं। तो यही यहाँ पे बोलते हैं कि जिस चीज़ से हम लोग पहले जो है खुश होते थे क्या आज वो उसके बराबरी में आज यहाँ पे खुशी मिल पाता है क्या, ये फुटबॉल खेलने से, क्या ये संगीत सुनने से, क्या ये जो है शराब पीने से, ये सबसे होता है, नहीं होता है। तो ये यहाँ पे सवाल है, आपको इसका आंसर ऐसे करके लिख देना, काफ़ी अच्छा सवाल था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें है हाउ वाज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड मी अनदर। यहाँ पे 12 में क्या बोला जा रहा है, सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक दोस्ताना कैसे सिखाया है, तो मित्रवत रहना कैसे सिखाया है, फ्रेंडली टुवार्ड मी अनदर, मतलब मित्रवत रहना दूसरों के साथ कैसे सिखाया है। यहाँ पे है क्या चीज़, सिविलाइजेशन गेव अस फैमिली लाइफ, मतलब सिविलाइजेशन जो है हमें सभ्यता जो है हमें पारिवारिक जीवन दिया है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना सिखलाया है। वी बिगन द लिव इन फैमिलीज एंड लव आवर चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। यहाँ पे है हमें परिवारों में रहना और अपने बच्चों से प्यार करना और बड़ों के साथ सम्मान करना सिखलाया है, कौन, सभ्यता। वी आल्सो स्टार्टेड बींग फाउंड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, मतलब हम लोग जो है पालतू जानवरों का भी शौकीन होने लगे धीरे धीरे। ऑल दिस मेड अस टू बी फ्रेंडली टुवार्ड मी टुवार्ड वन अनदर, मतलब और ये सब जो है, यही सब जो है एक दूसरे के प्रति जो है क्या बनाता है, मित्रवत बना दिया है, यही सब एक दूसरे के प्रति मित्रवत बना दिया है। तो ये यहाँ पे ऐसे आपको उत्तर लिख देना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे तरफ से डबल स्टार मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसा नहीं आएगा। डिड सेवे फादर लाइक हिज हॉबी, मतलब क्या सेवे के जो पिताजी जो थे उनका ये, उसको ये शौक पसंद था जो सेवे का था। नो नहीं, सेवे फादर डिड नॉट लाइक हिज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स एट ऑल, मतलब सेवे के पिता को लौकी का इकट्ठा करने का शौक जो है बिल्कुल पसंद नहीं था, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो यहाँ पे आंसर ऐसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, इसमें है व्हाट डज
देखिए आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि इतना आंसर लिखेंगे क्या मार्क्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको सटीक आंसर लिखना है, पन्ना नहीं भरना है, पेज नहीं भरना है, वो जवाना गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सटीक आंसर लिखना है, व्हाट डज जाकिर हुसैन फील्स व्हाइल एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंसी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रपति पद के कार्यभार संभालने के दौरान जाकिर हुसैन को क्या लगता है। तो यहाँ पे पढ़िए, हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ कंट्री एंड इंटर्स दिस ऑफिस, यहाँ पे हिज ऑफिस होना ही चाहिए, हिज ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। यहाँ पे है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग्ड टू द पीपल ऑफ कंट्री, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़, डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के लोगों के प्रति आभारी थे, ऑब्लिग्ड थे, क्योंकि वो जीते थे राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद के लिए। हिज ऑफिस मतलब ही इंटर्स इन हिज ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। वह जो है क्या था, अपने कार्यालय में जो है पूर्ण समर्पण और मानवता की भावना से जो है प्रवेश करते हैं कि अब सब अच्छा होगा। यहाँ पे ये ऐसे 14 का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। 15 नौ क्वेश्चन देखिए, 15 में यहाँ पे बोला जा रहा है हु हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। यहाँ पे 15 में बोला जा रहा है कि आई हैव अ ड्रीम जो स्पीच था वो कौन दिए थे, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। उत्तर आपको लिखना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डिलीवर्ड द स्पीच आई हैव अ ड्रीम। यहाँ पे हैड का यूज करना है, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो जो है किंग जूनियर जो थे वो जो है आई हैव अ ड्रीम स्पीच को डिलीवर किए थे, दिए थे, भाषण दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन 16, और इसमें यहाँ पे है डू यू थिंक मार्टिन लूथर इज ए ग्रेट ऑरेटर, मतलब क्या आप सोचते हैं कि मार्टिन लूथर एक ग्रेट ऑरेटर थे, एक महान जो है संचालक थे। वॉट क्या अकॉर्डिंग टू यू आर क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट ऑरेटर, आपके अनुसार क्या है एक महान संचालक का गुण, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आगे है वॉट डज मार्टिन लूथर argue with peoples to do, मतलब यहाँ पे वो जो है अपने लोगों से क्या करने का आग्रह करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये यहाँ पे है। ये सवाल लिया गया आई हैव अ ड्रीम से, और आपको आंसर कैसे लिखना है देखिए। यस आई थिंक मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज ग्रेट ऑरेटर, मतलब बोला जा रहा है हाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर हमें लगता है कि वो एक ग्रेट ऑरेटर थे, बहुत ही महान वक्ता थे। आई थिंक ए ग्रेट ऑरेटर इन ए स्पीकर हु हेल्ड अप द एक्साइटमेंट ऑफ द लिसनर्स एंड इन्फ्लुएंस देयर माइंड। यहाँ पे है 16 में क्या बोला जा रहा है, वो तो एक महान वक्ता है ही एवं जो है श्रोता को उत्साह बनाए रखते हैं, मतलब एक महान वक्ता वही होते हैं जो कि श्रोता जो सुनने वाले हैं उसके मन को उत्सुकता बनाए रखते हैं, प्रभावित कर लेते हैं उसको, तो वही होता है। ए ग्रेट ऑरेटर हैड ए क्वालिटी टू स्ट्राइकिंग द लिसनर्स हार्ट अबाउट द टॉपिक, मतलब जो है एक जो है महान नेता महान जो है संचालक जो होता है उसमें यही गुण होता है, कोई भी विषय में बोलने पर श्रोता के दिल जीतने के लिए एक महान संचालक के पास गुण होता है, क्वालिटीज होता है उसके पास। आगे है मार्टिन लूथर आर्ग्यू विथ हिज पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम, मतलब जो है आज़ादी के लिए लड़ने के लिए वो बढ़ाते हैं राइट्स, अपने अधिकार के लिए, जस्टिस इंसाफ के लिए, ऑफ द निग्रोस मतलब निग्रोस के अधिकार उसके जो है इंसाफ और आज़ादी के लिए वो कहते हैं कि मतलब साथ रहो, सब जो है मिलके इसको लड़ो, इस चीज़ को ख़त्म करवाओ, आग्रह किए अपने, तो यहाँ पे ऐसे आपको उत्तर लिख देना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, 17 नंबर, इसमें है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें चलिए इसमें नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन कुछ ठीक ठाक है। देखिए क्या है, व्हाट इज़ ए ग्रेट रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ द यंग स्लेटी वुमेन्स, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है पहले आप थोड़ा सा पढ़िए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए बोला जा रहा है युवा सिलहटी महिला के लिए गर्भावस्था का क्या इनाम है, मतलब उसको क्या इनाम मिलता है, रिवार्ड क्या मिलता है, यहाँ पे है द रिवार्ड इज डैट, रिवार्ड यह है कि सी इज सेंट टू हर मदर्स होम वेल बिफोर सी इज डिलीवर्ड ऑफ हर चाइल्ड। यहाँ पे है उसे जो है अपनी माँ के यहाँ भेज दिया जाता है इससे पहले कि वो अपने बच्चे को नवजात बच्चों के जन्म दे। आगे है द न्यू बॉर्न इज लुक्ड आफ्टर हिज बाय हर पेरेंट्स, यहाँ पे है मतलब उसकी नवजात जो है शिशु जो होगा उसका देखभाल जो है मतलब उसके माता पिता द्वारा किया जाता है। सी एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द 7th डे ऑफ द बर्थ, मतलब जो है 7वें दिन उस बच्चे को और माँ को जो है नए पोशाक दी जाती है। फिस्टिंग एंड सिंगिंग गो ऑन
टिल नाइट, मतलब जो है गाना और दावत जो है ये पूरे रात तक चलती रहती है, बहुत लेट नाइट तक चलती रहती है, तो ये यहाँ पे बोला गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे आंसर लिखना है, हम आपको बताएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनसन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनसन, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे है जॉनसन के कैरेक्टर यानी चरित्र के बारे में लिखिए। अभी देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये क्लियर कर लेते हो आपको अच्छा खासा मार्क्स का यहाँ से तैयारी हो जाएगा, साथ में इससे क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तो आपका तैयारी साथ में हो रहा है। ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्टिव ही हमें पढ़ना है, पहले इतना टाइम इस पर क्यों लगाए, तो आपको इससे ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है बहुत सारा क्वेश्चन, तो आपको ये याद रखना होगा। इसमें यहाँ पे है जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, जॉनसन एक गरीब किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम ए मैन कॉल्ड सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट, मतलब वो जो है सैंडर्स नामक व्यक्ति से जो कुछ जमीन वार्षिक किराया पर लेता है। ही वॉज नॉट हार्ड वर्किंग, वो जो है मेहनती नहीं था। ही पुट मोर फेथ ऑन लक देन इन वर्क, मतलब वो जो है काम की अपेक्षा जो है किस पर लक पर जो है वो ज़्यादा भरोसा करता था, विश्वास करता था किस पर लक पर वो ज़्यादा भरोसा करता था, मेहनत नहीं करता था, काम के बजाय जो है वो भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करता था, विश्वास रखा। और ही बिलीव्ड डैट गॉड क्रिएट अर्थ, मतलब भगवान ने इस धरती को बनाया है एंड ही वुड टेक केयर ऑफ इट, और इसमें भगवान जो हैं इसकी रक्षा करेंगे। ही वह therefore did not save any money for old age, इसलिए वो जो है कोई भी बुढ़ापे के लिए कोई भी पैसा जमा नहीं किया। ही doted on his only son, वो जो है अपने पुत्र पर, अपने एक इकलौता बेटा पर भरोसा रखा, बेंजी उसके बेटा का नाम था। लेकिन बेंजी ऑन द अदर proved ungrateful and drove him out of his own home, मतलब यहाँ पे है वो जो है बेंची जो था वो अविश्वासी निकला, वो जो है जिस खड़े नहीं हुआ, अपने वफादारी नहीं निभाया, वो जो है अपने माता पिता को ही अपने ही घर से निकाल दिया। तो ये यहाँ पे आंसर है, काफ़ी एक अजीब प्रश्न है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। 18 का यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाती है। 19 नौ क्वेश्चन देखिए, 19 में क्या बोला जा रहा है, पढ़िए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। दोस्तों अगर आपका एग्ज़ाम जो बहुत करीब है आप एक दो क्वेश्चन को स्किप मार सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वैसे देख लीजिए कोई ठीक नहीं है, आ सकता है तो आप आसानी से लिख लोगे। जस्टिफाई द टाइटल दी अर्थ, यहाँ पे बोला जा रहा है दी अर्थ शीर्षक कैसे सही है, ये आपको जस्टिफाई करना है। उत्तर में आपको कैसे लिखना है देखिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिफाइड इन द सेंस ऑफ जॉनसन हु ब्राउट अप देयर सन बाय वर्किंग हार्ड ऑन द लैंड दे had rented from Sanders, यहाँ पे है was purchased by their own son but the son drove him out from the same land, यहाँ पे है 19 में क्या चीज़ समझिए, 19 में है कि कहानी का शीर्षक इस अर्थ में उचित है कि जैसे जिस जॉनसन ने सैंडर्स से किराए पर ली थी ज़मीन लेकिन वो मेहनत नहीं किया, वो अपने बेटे पर आश्रित रहा और उसी बेटे ने उसी ज़मीन को ख़रीद लिया सैंडर्स से, और उसी ज़मीन से जो है क्या किया अपने पिता को ही निकाल दिया, अपने जो पेरेंट्स थे उन्हीं को निकाल दिया घर से। तो ये यहाँ पे ज़मीन के बारे में बात किया गया है कि ज़मीन को कौन खरीदा, सैंडर्स का ज़मीन था, जॉनसन जो किसान था वो खरीदा था, और उसका बेटा बेंजी मतलब खरीदा नहीं था जॉनसन, वो रेंट पे लिया था, और जॉनसन का जो बेटा था बेंजी वो ज़मीन को ख़रीद लिया सेंडर्स से डायरेक्ट, और उसके बाद क्या किया जॉनसन अपने पिता को ही घर से निकाल दिया। तो यहाँ पे ये ऐसे उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार मार्क्स है, याद रखिए। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहन लाल, यहाँ पे बोला जा रहा है नानू काका ने सोहन लाल को इम्प्रेस कैसे किया, प्रभावित कैसे किया। उत्तर आपको कैसे लिखना है देखिए, नानू काका इम्प्रेस्ड हिम बाई टेलिंग लाई डैट ही नो मैनी VIPs लाइक हजरत बरकत अली, उसके बाद द एम्बेसडर एंड मैनी मिनिस्टर्स, मतलब यहाँ पे है क्या बोला जा रहा है, नानू काका ने सोहन लाल रतिराम को कैसे प्रभावित किया। नानू काका ने उसे झूठ बोलकर, टेलिंग लाई, झूठ बोलकर प्रभावित किया, और वो बोला कि हम बहुत सारे VIP को जानते हैं, जैसे हजरत बरकत अली, राजदूत और कई मंत्रियों को वो जानता है, ऐसा वो झूठ बोला किसको, सोहन लाल रतिराम को। अगला यहाँ पे है ही टेल्स डैट ही हैड बीन द हेरिडिटरी पंडित ऑफ महाराजा निन्नौर पैलेस, महाराजा ऑफ निन्नौर पैलेस। यहाँ पे है 20 में क्या बोला जा रहा है,
इसमें जो है वो बोलता है कि बहुत सारे वीआईपी को जानता है, जैसे हजरत बरकत अली, राजदूत और कई सारे मंत्रियों को। वह बताता है कि वह जो निन्नौर महल के महाराजा का विविध पूर्वक पंडित था, मतलब हेरिडिटेटरी पंडित था वो, महाराजा ऑफ निन्नौर पैलेस। तो ये यहाँ पे ऐसे आपको उत्तर एग्जाम में अगर आती है तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्ड। तो यहाँ पे है 20 में, जाकिर हुसैन क्यों आभूभूत हैं, आभूभूत क्यों है वो, ओवरवेल्ड क्यों है। आंसर आपको कैसे लिखना है देखिए, ही इज ओवरवेल्ड बिकॉज पीपुल मेड हिम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोगों ने उन्हें जो है प्रेसिडेंट बना दिया, भारत का प्रेसिडेंट बना दिया, मतलब राष्ट्रपति बना दिया। ही इसलिए वो एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू द पीपुल हु पैलेस्ड हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मतलब यहाँ पे है 2021 में क्या बोला जा रहा है, मतलब वो जो है इसलिए खुश हैं क्योंकि वो जो है मतलब लोगों ने उन्हें अपनी खुशी इसलिए, आभार इसलिए व्यक्त करते हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया है, तो इसलिए यहाँ पे वो ओवरवेलम्ड अभिभूत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, इसमें है व्हाट डिड मार्टिन लूथर वांट फॉर निग्रोज, मतलब मार्टिन लूथर किंग जेआर जो थे वो निग्रोज के लिए क्या चाहते थे, वांट क्या था उनका। उत्तर आपको कैसे लिखना है देखिए, मार्टिन लूथर वांटेड नथिंग, मतलब मार्टिन लूथर कुछ नहीं चाहते थे किसके सिवा, बट फ्रीडम ऑफ निग्रोज, मतलब निग्रोज की आज़ादी के सिवा। ही वांटेड टू सेम अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी एंड सिटीजनशिप ऑफ दैम। तो यहाँ पे वो जो है मतलब वही चीज़ चाहते हैं और लोगों की तरह वह वही सुविधा और विकास अवसर निग्रोज के लिए चाहते हैं, कौन, तो मार्टिन लूथर किंग जेआर। आई हैव अ ड्रीम से यह प्रश्न लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, इसमें है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क्स के साथ है, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस। मतलब यहाँ पे है 23 में, बेंजी जो है मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में क्या समझा, क्या जाना, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड, क्या समझा बेंजी बिजनेस ऑफ हैंस, मुर्गियों मुर्गों के अंडे मतलब सॉरी बिजनेस व्यवसाय के बारे में क्या समझा। उत्तर आपको लिखना है, बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस डैट ही वुड अर्न मनी बाय सेलिंग्स एड एग, सो He did a lot and took all possible care of hens. यहाँ पे है कि बेंजी ने मुर्गियों के व्यवसाय के बारे में समझा कि वो अंडे बेचकर पैसा कमाएगा, कमा सकता है, इसलिए उसने मुर्गियों का देखभाल, मुर्गों का देखभाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया, all possible care of hens. तो यहाँ पे आंसर आपको ऐसे लिख देना है। 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे है, Why does the speaker कमला दास says that she has lost her way? आप लोग को पहले ही बता दिए कि आप लोग थोड़ा सा स्पीड करके देख लीजिए, अगर आपका एग्जाम है 2x पर जाके देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 24 का यहाँ पे आंसर आपको कैसे लिखना है कि वो जो है अपने आप को क्यों कहती है कि वो अपने आप का रास्ता खो दिया है, वो अपना रास्ता खो दिया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सी सेज डैट सी हैड लॉस्ट हर वे बिकॉज सी इज वेरी फार फ्रॉम द हाउस वेयर सी रिसिव्ड मच लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स। यहाँ पे है वह कहती है कि वह अपना रास्ता खो दिया क्योंकि वह अपना घर से बहुत दूर है, वह उस घर से बहुत दूर है जहाँ उसे दादी माँ से बहुत प्यार मिला था, टू मच लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर्स। उस आगे यहाँ पे है, सी हैड ए ग्रेट डिजायर टू गो देयर बट ही इज बट इज अनलेबल टू गो, मतलब वो जो है उनका बहुत इच्छा है कि वो उस घर पे जाए लेकिन लेकिन अब जो है वो जाने में असमर्थ है। तो ये यहाँ पे ऐसे आंसर हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज जाकिर हुसैन सेज भारत इज माय होम, सेज भारत इज माय होम। यहाँ पे है 25 में क्या चीज़ है, पहले एक बार पढ़ लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, किस संदर्भ में जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज जाकिर हुसैन सेज भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, किस संदर्भ में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। उत्तर हो जाएगी, ही सेज भारत इज माय होम व्हेन ही डिलीवर्स हिज स्पीच आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 25 में जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं, शपथ लेने के बाद जो अपना भाषण देते हैं तो वह भारत इज माय होम कहते हैं, मतलब भारत मेरा घर है ये कहते हैं। आगे है, ही थिंक्स डैट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड इट इज लाइक होम एंड इट्स पीपल आर लाइक फैमिली। यहाँ पे है, वो सोचते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि वो भारत के राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति हैं, मतलब वो तो थे ही लेकिन वो ऐसा सोचते हैं कि राष्ट्रपति हैं और वो जो है मतलब उनका यहाँ का जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनके परिवार जैसे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और परिवार जैसे हैं।
वो उनका यहाँ पे भारत पूरा घर है। हेयर ही एक्सप्रेस्ड हिज नेशनल फीलिंग, यहाँ वो अपने राष्ट्रीय भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनका जो फीलिंग्स था देश के प्रति वो व्यक्त करते हैं। 26वां क्वेश्चन में यहाँ पे है, व्हाई डज गांधी जी सेज माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, गांधी जी जो बेचैन पक्षी हमारे दिमाग को क्यों कहते हैं, ये आपको पहले भी बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। काफी स्टार मार्क्स क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स मेरे तरफ से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 27वां, इसमें है What are the names of the dogs of Natalia and Lomov? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क्स। What are the names of dogs of Natalia and Lomov? यहाँ पे है Natalia और Lomov के कुत्तों का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा Natalia dog is named Leaf. Where are the name of the dog of Lomov is Gis? मतलब Natalia के कुत्ते का नाम Leaf और Lomov के कुत्ते का नाम Gis था। याद रहेगा Natalia Leaf, Lomov Gis. ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 28वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या है, हु सेज डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डैट ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिम। स्किप कर सकते हैं अगर आपका एग्जाम करीब है, नहीं अगर दूर है आपका एग्जाम में, अगर टाइम है तब जाके आप इसको बाद में देख ले, मतलब इसको सॉरी बाद में नहीं मतलब इसको आराम से देख लीजिए, अभी आराम से देखिए। अभी यहाँ पे क्या है, हु सेज डैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डैट ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिम, यहाँ पे है कौन कहता है कि वह अदालत में यह साबित करेगा कि ऑक्स मेडोज उसका है। इट इज Lomov हु सेज डैट ही विल प्रूव्ड इन द कोर्ट डैट द ऑक्स मेडोज बिलोंग्स टू हिम, वह Lomov ही था जो ये कहता है कि वह अदालत में यह साबित करेगा कि ऑक्स मेडोज जो है वो उसका है, तो वो Lomov था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज सी से अबाउट इंडियन पीजेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेंस, यहाँ पे ये सवाल किससे लिया गया है, इंडियन पीजेंट्स, तो ये सवाल लिया गया इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज से। हाँ यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी सेज डैट इंडियन पीजेंट्स एंड पुअर देन देयर चाइनीज काउंटर पार्ट्स है, कभी कभी पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, दे आर क्या है प्रॉवर्टी स्टिकन, यहाँ पे है 29 में क्या चीज़, 29 में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसमें है वह भारतीय किसानों और उसके बच्चों के बारे में क्या कहती है, वह कहती है कि भारतीय किसान जो है चीनी जो है समक्षकों, इसका हिंदी जो होता है काउंटर पास जो होता है समक्षकों की तुलना में गरीब हैं, तो ये यहाँ पे बोला गया है, और वे गरीबी से त्रस्त हैं, दे आर प्रॉवर्टी स्टिकन। यहाँ पे 30वां क्वेश्चन देखिए, कुछ ही क्वेश्चन है जो कि आपको देख के चले जाना, व्हाई इज Lomov अनलेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज, Lomov जो है शादी के लिए क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहा था, Lomov डज नॉट बिलीव डैट चुबुक्को विल बी एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल, मतलब Lomov को ऐसा कभी नहीं लगा कि चुबुक्को जो है उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, ही मतलब क्यों, क्योंकि देखिए Lomov जो था वो जो है चुबुक्को का दोस्त था, और चुबुक्को की बेटी से Lomov शादी करना चाहता था, तो दोस्त की बेटी से शादी अब अजीब तो होगा ही, वो सोच रहा था नहीं एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, ही हैज हेजिटेशन एंड फियर सो ही इज अनएबल टू स्पीक अबाउट मैरिज, उसे जो है क्या था हिचकिचाहट था और डर था, इसलिए वो जो है शादी के बारे में बोलने में असमर्थ था, कौन Lomov। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 31, और इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें है व्हाई डिड द हाउस गो इनटू साइलेंस इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे है बोला गया है क्या चीज कि वो जो है हाउस अंधेरे में, वो जो है घर अंधेरे में क्यों, सन्नाटा में क्यों चला गया, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा द ग्रैंड मदर ऑफ द पोएटेस डाइड, मतलब कवित्री के जो दादी माँ जो थे उनका निधन हो गया, एंड देयर वाज नोबडी एल्स टू टेक केयर ऑफ द हाउस सो इट वेंट इनटू साइलेंस, और उनकी जो है घर का देखरेख करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो घर अब सन्नाटा में चला गया होगा, मौन में चला गया होगा, मतलब अब जो है बहुत तो वो साइलेंट हो गया होगा घर, ये ऐसे यहाँ पे है। 32वां क्वेश्चन में है व्हाट डज आवर इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, यहाँ पे है हमारी सभ्यता क्या दिखलाती है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन आवर रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ कंट्रोल, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शब्द बोलने में अजीब हो जाता है, आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन आवर रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ कंट्रोल, 32 में यहाँ पे है क्या चीज़, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारी भारतीय सभ्यता क्या दिखलाती है, क्या चीज़ पर आश्रित है, निर्भर है, हमारी सभ्यता हमें प्रतिबंधित चाहने और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करती है, अभी तो मतलब आत्मनिर्भर भारत बहुत फेमस है। आगे यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 33वां क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है,
इसमें यहाँ पे क्या है, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, कवि जो है ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं, सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं कवि, ऐसा यहाँ पे ये सवाल है। तो यहाँ पे चलिए हम आपको इसका आंसर भी बताते हैं, कवि सौंदर्य के बारे में क्या सोचते हैं, आंसर आपको कैसे लिखना है देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार जो है ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, ये जो है सुंदरता जो है अस्थाई नहीं है, इट वैनिस्ड इज वैनिस एंड पासिस बट इट इज रेयर इन द वर्ल्ड, मतलब यह जो है एक दिन ना एक दिन गुजर ही जाता है या लुप्त हो जाता है, गुजर जाता है, लेकिन यह दुनिया में दुर्लभ है, इट इज रेयर इन द वर्ल्ड। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे क्या चीज, वाई डिड द पोइट वांट वांट और डिसाइड सॉरी वांट और डिसाइड टू वेट इन द पोएम, यहाँ पे क्या है, मतलब कवि जो है ये स्नेक्स लिया गया है, कवि ने सांप कविता में इंतजार करने का फैसला क्यों किया है, वाई डिड द पोइट वांट्स और डिसाइड टू वेट इन द पोइट पोएम हाँ। तो यहाँ पे कवि जो है सांप कविता में इंतजार करने का फैसला क्यों करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि सांप आ गया था, स्नेक आ गया था, द पोइट टाउट दैट द स्नेक कैम टू वाटर थ्रू बिफोर हिम, मतलब कवि जो ये सोचते हैं कि सांप जो है वो स्नेक जो था वो उनसे पहले पानी पीने आया है, सो ही वांटेड और डिसाइडेड टू वेट, इसलिए वो जो है निर्णय किए कि वो रुकेंगे और सांप पहले पी के जाएगा और फिर ये जाएंगे पानी लेने। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 35वां, इसमें है इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटोमन, मतलब यहाँ पे बोला गया क्या चीज, के सेंस में जो है सूरज पतझर ऋतु से फुसफुसाता है, बात करता है, कंस्पायर करता है, फुसफुसाता है, आपस में बात करता है, द सन कंस्पायर विथ ऑटोमन टू फिल ऑल फ्रूट्स एंड रिपनेस, यहाँ पे है कि सूरज जो है पतझर ऋतु से जो है फुसफुसाता है कि फलों को पेड़ों पर जो है वो जो है लाद देगा, यही सब जो है बहुत ज़्यादा पेड़ जो है मतलब पेड़ पर जो है ये सब लाद देगा, रख देगा, मतलब फल फूल लगा देगा, पूरा हरियाली छा दे आएगा, तो ऐसा यहाँ पे बात चल रहा है सूरज और ऑटोमन में, सन और ऑटोमन में। अगला यहाँ पे 36वां क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, यहाँ पे है 36 में कभी अपने प्रिय से दूर क्यों जाना चाहते हैं, द पोइट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही नो डैट डेड इज श्योर, मतलब मृत्यु जो है स्थिर है, मतलब मृत्यु जो है वो निश्चित ही है, वो कभी ना कभी होना ही है, एंड ही हैज़ टू डाई, और उन्हें एक दिन मरना है, बट ही वांट टू बी हैप्पी, और इसलिए वो खुश रहना चाहते हैं, तो इसलिए वो जाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है 37वां, यहाँ पे है व्हाट डज मार्टिन लूथर सेज अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोस, मतलब यहाँ पे है 37 में कि मार्टिन लूथर ने निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहा है, निग्रोस के जीवन के बारे में क्या कहा, उत्तर आपको कैसे लिखना है देखिए। मार्टिन लूथर सेज डैट लाइफ ऑफ निग्रोस इज वेरी पेटिवल, मतलब यहाँ पे मार्टिन लूथर का कहना है कि निग्रोस का जो जीवन है बहुत ही दयनीय है, पेटिवल है, देयर कंडीशन इज नॉट चेंज, उनका जो है हालत जो है कभी नहीं बदल सकता है, मतलब बदल नहीं सकता है, बदलता नहीं है, दे हैव नो चार्म एंड दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, वो उनके पास जो है कोई आकर्षण का कारण नहीं बचा है, उनकी सभ्यता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है और वो जो है पूरी तरह जो है पूरी और जो सोसाइटी से वो कटे जा रहे हैं, पूरी तरह से हटे जा रहे हैं, उनसे घुल मिल के नहीं अब रह रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पे वो बताए हैं। चलिए अब काफ़ी कम क्वेश्चन रह गया है तो वो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन है। 38वां क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज एन एपिताफ, एपिताफ क्या है, एपिताफ एन एपिताफ इज ए इंस्क्रिप्शन ऑन द थंब्स और थंब ऑफ द ग्रेव, यहाँ पे है एपिताफ कब्र पर लिखी कुछ शिलालेख है, क्या है इंस्क्रिप्शन है जो कि शिलालेख पर लिखा जाता है, मतलब शिलालेख है यहाँ पे कब्र पर। अगला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट मीन्स व्हेन ही से एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यहाँ पे 29 में क्या है, कभी ये कहते हैं कभी का कहने का क्या मतलब है कि मेरे बाद उनसे मतलब उन्हें जो है कौन याद करेगा, उसे कौन याद करेगा, वो लेडी जो मर गई कितनी सुंदर थी वो लेडी को कौन याद करेगा, ऐसा यहाँ पे सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगी, चलिए देखते हैं, आंसर हो जाएगी द पोइट वांट टू से डैट नो बडी विल रिमेंबर द ब्यूटी लेडी ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री व्हेन ही डाई, मतलब यहाँ पे है मेरे बाद उसे मतलब यहाँ पे है कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि मतलब उनके मरने के बाद जो है उस ब्यूटीफुल उस सुंदर नारी को कौन याद रखेगा, पूरे देश में इस बेस्ट कंट्री का जो सुंदर नारी थी उसको कौन याद रखेगा, सो ही सेज, इसलिए वो कहते हैं व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा मरने के बाद ये जो है कौन इन्हें याद रखेगा,
कौन इसे याद रखेगा। 40वां क्वेश्चन में यहाँ पे है, काफी अब कम क्वेश्चन बाकी है, देख ही लीजिए। यहाँ पे है व्हाट डिड द फायर हिम से टू द पोइट। यहाँ पे है फायर हिम जो है कवि से क्या कहते हैं, कवि से जो है फायर हिम क्या कहता है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा द आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए द फायर हिम सेज टू द पोइट डैट ही वॉज फॉर गिवन, सो द पोइट डिसाइडेड नॉट टू कमिट सच ए सिन अगेन इन हिज लाइफ। यहाँ पे जो है फायर हिम जो कहता है कवि से कि वो जो है निर्दोष है और वो जो है कभी जो है फिर ऐसा कभी जो है ऐसा सिन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते हैं वो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 41वां क्वेश्चन इसमें है, इज द स्पीकर इन द सोल्जर एफ्रेड ऑफ डेथ। मतलब कभी जो है द सोल्जर पार्ट में वो डरते हैं मृत्यु से, क्या वो डरते हैं, ये यहाँ पे सवाल आ जाती है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, नो ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ इट, मतलब वो जो है इससे डरते नहीं है। ही थिंक्स इफ ही डाई एंड हिज बॉडी इज वरीड इन द फॉरन फील्ड इट विल बी इंग्लैंड फॉर एवर। यहाँ पे है इट विल बी ऑफ इंग्लैंड फॉर एवर। यहाँ पे है वे सोचते हैं कि अगर वह मर जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और उनके शरीर को विदेशी क्षेत्र में दफन किया जाएगा, तो वह हमेशा जो है इंग्लैंड का हो जाएगा जो जमीन पे उन्हें दफन किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वां क्वेश्चन इसमें है, वाई इज मैकविटी कॉल्ड और टर्म एज क्रिमिनल, ए क्रिमिनल। यहाँ पे है मैकविटी को जो है एक क्रिमिनल के रूप में क्यों देखा गया है, मैकविटी को अपराधी क्यों कहा गया है, ये यहाँ पे सवाल है, उत्तर आपको कैसे लिखना है। देखिए मैकविटी के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही शरारती बिल्ली था, बहुत ही बदमाश बिल्ली था। मैकविटी इज कॉल्ड और टर्म क्रिमिनल बिकॉज ही डिफाइज द लॉ एंड कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम। यहाँ पे है 42 में कि मैकविटिन को अपराध मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपराधी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो एक कानून की अवहेलना करता है, वो तोड़ता है सारे नियम को और अपराध के बाद अपराध करते जाता है, क्राइम आफ्टर क्राइम वो अपराध के बाद अपराध करते जाता है। ही टुक फूड, वो जो है खाना ले चुरा लेता है, ड्रंक मेल का दूध पी लेता है, किल्स स्मॉल डॉग्स छोटे कुत्ते के बच्चों को मारता है, स्टेल्स ज्वेलर्स इटीसी, वो जो है सोने जवाहरात को चुराता है, तो इसलिए वो जो है क्रिमिनल कहे हैं कभी मैकविटी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 43वां क्वेश्चन इसमें है, व्हाई डज द पोइट कॉल मैकविटी ए मिस्ट्री कैट। मतलब यहाँ पे है कवि ने यहाँ पे कवि जो है पोइट जो है मैकविटी को एक मिस्ट्री कैट क्यों कहे हैं, मतलब एक जो है मिस्ट्री कैट इसको क्यों कहे हैं, रसमई बिल्ली क्यों कहे हैं मैकविटी में बिल्ली को। आंसर हो जाएगा द पोइट कॉल मैकविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ही इज एन ऑर्डनरी क्रिमिनल। मतलब यहाँ पे है कवि मैकविटी को रहस्यमयी बिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक सामान्य अपराधी नहीं है, ही इज नॉट एन ऑर्डनरी क्रिमिनल, ही इज ए मास्टर पॉ, उसके पास एक मास्टर पंजा है, वो बहुत ही मास्टर है क्राइम में। आफ्टर क्राइम ही डिसअपियर फ्रॉम द क्रिमिनल पैलेस, मतलब वो जो है क्राइम करने के बाद उस जगह को छोड़ के चला जाता है। 44वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे है हाउ डज द वर्निंग हार्ट लुक, और यहाँ पे आगे है और वाट डज द पोइट सेज अबाउट बर्निंग घाट। यहाँ पे है जलता हुआ घाट कैसा दिखता है और जलते हुए घाट के बारे में कभी क्या कहते हैं, तो ये यहाँ पे फायर हिम से लिया गया है, हमको तो अच्छा लगता ही नहीं है चैप्टर आप लोग के सिलेबस में, इसलिए हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोइट द बर्निंग घाट इज वेरी फियरफुल। यहाँ पे है कवि के अनुसार जलता हुआ घाट बहुत ही भयावह है, द रेडनेस ऑफ द फायर सो इट्स क्रुएल्टी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आग की लाली जो है क्रूरता को दिखलाती है, द फायर बर्न्स एवरी थिंग्स बट द पासर्स बाय आर फाइटनेड टू सी इट्स क्रुएल्टी। यहाँ पे है कि आग की जो लाली जो है क्रूरता को दिखलाती है और आग जो है सब कुछ जला देती है, लेकिन इसकी जो है क्रूरता को देखकर राहगीर जो है डर जाते हैं, जो रास्ता से गुजरते हैं वो डर जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, 45वां क्वेश्चन, और यहाँ तक अगर आप आ गए हैं, सारे क्वेश्चन देख लिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे है व्हाई डिड द पोइटेस कमला दास वॉन्ट टू गो टू हर मदर्स ग्रैंड मदर्स हाउस। यहाँ पे है कि जो है ये कमला दास जी जो थे वो क्यों जाना चाहते हैं अपने ग्रैंड मदर्स घर, यहाँ पे वो क्यों जाना चाहते हैं, तो इसके पीछे रीज़न है, हम आपको सारा रीज़न बताए हुए हैं क्या रीज़न है, क्योंकि उन्हें वो बहुत सारा प्यार मिला था इसलिए वो जाना चाहते हैं। आगे यहाँ पे कैसे आंसर लिखना है वो देखिए, सी रिमेंबर्स हर ग्रैंड मदर एंड हर लव, वो जो है अपने दादी और उनके प्यार को याद करती है, कौन कमला दास,
देयर वॉज ए कम्प्लीट पिक्चर ऑफ एवरी थिंग इन इन हर मेमोरी. उनके पास जो है उनके दिमाग में जो है एक कम्प्लीट पिक्चर है, सभी कुछ का एक चित्र है उनके अंदर. आगे यहाँ पे है, सो सी वॉन्टेड टू गो देयर टू हैव ए लुक फॉर हर इनर सेटिस्फैक्शन. इसलिए वो जो है अपने आंतरिक सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के लिए वो जाना चाहते हैं, अपने दादी के घर कमला दास जी जाना चाहते हैं. तो ये यहाँ पे आंसर हो गई. आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ में अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए. अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, सभी के पास पहुँचाइए. हम आपको इतने मेहनत करके ये सारा क्वेश्चन गेस किए हैं, सारे के आंसर लिखे हैं, सब आपको बता रहे हैं. तो आप लोग एक शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सारे हिंदी जैसे 100 मार्क्स है, और भी अगर इंग्लिश में आती है सब कुछ हम आपको देंगे. बाकी कुछ वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके आप देख कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सारे वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय.